मुझे लग रहा है मेरी बर्थडे, क्योंकि मैं तो हूँ ही बर्थडे गर्ल खूबसूरत सी। बलून से आवाज़ निकल गई। क्या हुआ फारिस को छुआ है क्या? वेलकम बैक टू माई अनदर यूट्यूब डेली व्लॉग एंड अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ भाई। रात में आई थी, मेकअप सारा रिमूव करा मैंने, स्किन केयर किया अपना रात में, उसके बाद अभी मैं उठ गई हूँ। बट अभी मैंने फेस वॉश नहीं किया, मेरी कल की डाइट बहुत अच्छी गई है बट अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लग रही है, अंडा खाना है एंड ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। तो बस अभी नीचे जाऊंगी, नाश्ता करूंगी। नाश्ता करने के बाद आज की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या रूटीन है, कुछ नहीं पता। खैर अभी नीचे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये बंटी का है, बंटी खोल के दू और दू। पूरी स्टेयर्स धुली हैं और आज गाइज अब बंद कर दोगे हम देखूं। गाइज मैं आप लोग को बताऊं, आज सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा सिक हूँ। गाइज आप लोगों को मैं बताऊं, मैं इसके साथ सदर गई, मैंने वहाँ पे भी व्लॉग नहीं बनाया जबकि वहाँ पे इतना अच्छा कंटेंट बन सकता था। वहाँ पे दुल्हा के इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे, तो हम हमारे के लिए तुम्हारे लिए लेने गए थे, झूठ नहीं बोलो। बट हमने वहाँ से कुछ लिया नहीं क्योंकि हुआ ये सीन कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरा बीपी बहुत लो हो गया था। अभी रात में फिर हमें बर्थडे पे जाना है तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा तैयार होने का। बट हमारे सामने किंजा मंसूर बैठी हुई है, तो किंजा मुशीर, किंजा मुशीर बैठी हुई है हमारे सामने, वो मेरी हेयर स्टाइलिंग करेंगे। और आयत मुझे आज कोई मैजिक ट्रिक बता रही थी, तो अभी वो मुझे मैजिक ट्रिक बताएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी ये सिर्फ अपने कपड़ों पर स्टडी कर रही है, मेरा कोई दिल नहीं हो रहा कपड़े निकाल के पहनने का। अभी मैं अभी किंजा मुशीर से बाल बनवाऊंगी अपने, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसी हेयर स्टाइलिस्ट है और मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। तो गाइज अभी व्लॉग में लड़ाई हो गई, इसका व्लॉग इसका बिग बॉस खत्म ही नहीं होता। अभी हम लोग जब लास्ट टाइम ट्रिप पे गए थे, इसने पूरे रास्ते बिग बॉस देखा और इसने मुझे बोर किया था। मेरा फेवरेट बिग बॉस बहुत पसंद है अरे अभिषेक, ठीक है सबका ही अभिषेक जा रहा है फेवरेट, उसमें क्या है ऐसा, कौन सा वाला बहुत फेक है। हाय गाइस बाद में मिलती जब बाल बनवाऊंगी तब, बीमार है आपकी बहन यार। लेकिन व्लॉग तो बनाना है ना, लेकिन मैंने कहा था आज मैं रेस्ट करती हूँ व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन आज पूरा दिन का व्लॉग मैंने कुछ एक्टिविटी ही नहीं की तो व्लॉग क्या बनाती। लेकिन आज आपकी बहन ने सुबह नाश्ते में एक अंडा खाया था और अभी आपकी बहन ने बाहर फ्रूट चाट खाई है, दैट्स इट। बस आज की यही डाइट थी आपकी बहन की। किंजा मशीन ने मेरे बाल बना दिए, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं इसको पोनी बना दूंगी, सो गाइस हमारी इन ड्राइव आ गई है और हम लोग जा रहे हैं एक सरप्राइज बर्थडे में। और आप देख सकते हैं और आज अब व्लॉग मेरा जो एनर्जी वाला ना एनर्जेटिक व्लॉग, वो व्लॉग मेरा अब स्टार्ट हुआ है। और ये आयत का ड्रेस है और ये मेरा फुल लुक है, हमेशा की तरह मैं लग रही हूँ प्यारी खूबसूरत। और फिलहाल हमारी इन ड्राइव आ चुकी है, हमेशा की तरह इन ड्राइव में आज भी मैं आगे बैठ गई हूँ। तो अभी जिसका सरप्राइज था वो पहले ही पहुँच चुका है, सरप्राइज किसका ही आप लोगों ने गैस करके कमेंट में बताना है। मेरी एनर्जी वापस आ चुकी है और फिलहाल फारिस कह रहा है कि मुझे लग रहा है मेरी बर्थडे, क्योंकि मैं तो हूँ ही बर्थडे गर्ल खूबसूरत सी। बलून से आवाज़ निकल गई। क्या हुआ फारिस को छुआ है क्या? मेरे पास केक है असल में ना, तो ड्राइव वाले भैया हल्की चलाए केक ऐसे ना ऊपर छापा हुआ, हमारी बर्थडे वाला सीन हो जाए। हाँ, जैसे मेरी बर्थडे आप ही की बर्थडे में मैंने 4 पाउंड का केक, आप ही ने ब्रेक मारा वो आगे पलट गया। आप ही की बर्थडे मुझ पे गुस्सा किया ना, यही रो दूंगी, यही चली जाऊंगी अभी घर। चली जा, प्यार से बात करा करो मुझसे, इज्जत से प्यार से। तुम्हारे इतने काम करती, तुम्हें जूते पहनाती हूँ, तुम्हें सब कुछ करती हूँ। तुमने नहीं पहना है, सही है। मोजे ना मैं लेकर आई हूँ नीचे से, प्यार से तो बात होती ही नहीं आप ही से, प्यार आप ही के लिए बनना ही नहीं है। ओ गाइस हमारे आप आउटफिट, हाँ आउटफिट जो फिट नहीं हो रहे, रेट करेगा कि हम सब कितने लग रहे हैं। भाई अपना दिखाओ फुल लुक, बहुत ज्यादा प्यारा, आप अपना दिखाएं, बहुत ज्यादा प्यारा, आप ही अपना आउटफिट दिखाओ। सो ब्यूटीफुल, सो ये आप ही का आउटफिट है जो मेरा पहना हुआ पहना है इसने, और मेरा दिखाओ पता
अच्छी लग रही बस आई बोल रहे थे मेरे बारे में दोबारा बताओ क्या बोलना चाह रहे थे तुम वैसे इस पूरे हॉल में सिर्फ हम लोग अकेले हैं गाइस और लोग बोल रहे होंगे फलावा अचानक से कहाँ गई है। एक अदद मेरी बचपन की दोस्त थी जो कि अब मुझसे मिलती नहीं क्योंकि मेरी जिंदगी में इसका एक बंदा आ गया है और ये उसके साथ बहुत मसरूफ होती है तो इस वजह से ऐसा झूठे सब झूठे सब छोड़ते नहीं है मेरी दोस्त को। कैसी है यार दादा मेरे बिल्कुल लगी है छोड़ते नहीं है ऐसा भाई छोड़ते ही नहीं मेरी दोस्त को कि मेरी दोस्त हमें भी टाइम दे दे गाइस पता है जादू है तो ये अच्छी आई है एक दूसरा था ये एक दूसरा और मैं तो तीन हूं हमसे भी लंबा जा रहा है ला ये सब इतू से दे फला ना ना हमारे सामने और ये हाँ ये और मैं सेम कद के थे छोटे छोटे से ये पढ़ने में नहीं काम आता मोबाइल का रिजल्ट अच्छा मोबाइल ही उसका क्या कर रहा है तीन दिन तक यही पूछ रहा है टैग कैसे होता है फोन बाद में मुझे पता चला वो भी ज्ञान ने बताया ये गूगल पिक्सल लिया है कौन सा 4x तुम्हारा कौन सा है मेरा 4xl है कौन सा अच्छा हुआ इनका नीचे है मेरे ख्याल से कितने का लिया आपने कितने का लिया 41 हाँ तो मेरा भी वही मेरा वही है मेरा थोड़ा सा ऐसे भी चलवा दो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा थोड़ा हंसते ही चलवा दे ऑक्सीजन की कमी हो बर्थडे बहुत टेस्टी है गाइस अभी एक सरप्राइज है जो कि आप लोग को पता लग गया हम यहीं पे करने वाले हाँ एक सरप्राइज एक और है चलो उधर देख लो किंजा किसके लिए मेरे लिए हमारे कंपाउंड में हर साल होती थी कवालियाँ और हम दोस्त वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिरयानी खाने जा रहे थे सिर्फ बिरयानी चाहिए सिर्फ बिरयानी और कब आती थी और बिरयानी की लालच में पूरा मिलाद सुनते थे पूरी कवाली पूरी मिलाद हम लोग सुना करते थे अच्छा भाई अब था थाल सिस्टम है दुआ हाँ और हमारे हमारे माइंड में ये था कि सिर्फ हम दोस्त हम दोस्त बैठेंगे लेकिन उस दिन क्या हुआ उस दिन बैठी एक आंटी और उनकी बेटी आंटी को लगा फंदा पत्ता फंस गया था लगभग और मैं आज ना मैं आंटी ये हम खा रहे सही है ये पहले हम लोग ऐसे देख रहे उसके बाद ना लिहाज ना कुछ जो हम करते हैं मार मार के आंटी के सामने हंसे हैं पहले हमने बहुत कंट्रोल किया बहुत कंट्रोल किया एक तो ये डैश औरतें मदिया और ये और भी दोस्तें थी हमारी बहुत सारी पहले हम लोग एक दूसरे को देखे जा रहे उसके बाद कंट्रोल ही नहीं हुआ और आंटी इतना शर्मिंदा बिचारी आंटी बहुत शर्मिंदा हो गई थी क्योंकि हमसे कंट्रोल ही नहीं हुई थी वो थी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ था लेकिन बहुत मजा आया था यार क्या दिन थे अब एसएन भाई आ गए वो अलग बात है एसएन भाई बोलेंगे तो मेरे हालत पे ही आ गई है कोई नहीं अब तो माशाल्लाह से आपका निकाह होने वाला है नहीं एसएन भाई बहुत शादी की क्या प्लानिंग्स हैं निकल हो रहा है हाँ निकल तो हो जाए हमारा भी हो ही जाएगा बहुत मुफ्त फोड़ा और मामा चाय का खाना बहुत मजे का है थैंक्स टू बारिश दुआ भी बाकी आप सबका शुक्रिया था थैंक यू सो मच आप लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा एहसन भाई ने बहुत ही अच्छा डांस करा नागिन डांस और हमने बहुत एंजॉय किया गाइस मुझे ज्यादा मजा आया और हमने आज मुझे ज्यादा मजा आया आज हमने बचपन की यादें ताजा करी है मामा चाय में आप लोग आराम से अपना फैमिली गेट टुगेदर कर सकते सारी सिर्फ मामा चाय की प्रमोशन ही करे जा रहे करो अब मैं अपना कोई टॉपिक निकाल के मामा
चाय का ये, मामा चाय का ये। हमारी टीचर, टीचर देखो कंधे पे आ रही है। सो गाइस अब घर जा रहे हैं, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग गाइस, तो ये मेरा बैग है, मैंने सोचा कि मैं आज आप लोग को दिखाऊं व्हाट्स इन माय बैग। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ, सबसे पहले एक ये गंदी सी हैंड फ्री है मेरे बैग के अंदर। इस तरह मैंने सोचा कि आज फाइनली मेरा बैग भी साफ़ हो जाएगा। इसके अंदर एक वॉलेट है, जिस वॉलेट के अंदर क्या है मैं आप लोग को वो भी दिखाती हूँ। इसके अंदर थोड़े बहुत कार्ड्स हैं और इसके अंदर कुछ पैसे हैं और कुछ पैसे अंदर गिरे हुए हैं जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और मेरे बैग के अंदर टेलकॉम है, जिससे मैं कहीं पर भी बाल बना लेती हूँ या मुझे हेयर स्टाइलिंग करनी हो। और आप लोग बहुत हंसेंगे जब मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊंगी ना कि मेरे बैग के अंदर और क्या है, बहुत ज़्यादा ही हंसेंगे, जबकि मैं डाइट पे हूँ। मेरे बैग के अंदर बहुत सारी बंटीज हैं और लाइनर, जो कि हमेशा मेरा परफेक्ट लगा हुआ होता है मेरी आईज़ के ऊपर। और मेरे बैग के अंदर ये लेंसेस आई ड्रॉप है, जो कि ये आँख के अंदर अगर इरिटेट हो रही हो कुछ हो तो वो लेंस को रिकवर कर देता है। और मेरे बैग में है ये ड्यूड्रा, जो कि हर किसी की बहुत ज़्यादा नीडेड चीज़ है। उसके बाद मेरे बैग के अंदर है ये मस्कारा, अभी मुझे नीड नहीं है क्योंकि मैंने लैशेस लगवा लिए। साथ में मेरे पास है ये 10 MK का, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा मेरे बैग के अंदर पोनी लाजमी होती है। साथ में कुछ क्लिप्स होते हैं मेरे बैग के अंदर, जो कि मैं आप लोग को एक साथ दिखाती हूँ। ये भी मेरे बैग के अंदर लाजमी होता है, ये अभी ख़त्म हो गया। ये आराम से इसको नीचे से आप भर के अपने बैग के अंदर रख सकते हो और ये बहुत नीडेड चीज़ है। साथ में ये एक और आई ड्रॉप है, जो कि मैं निकाल के यहाँ पर रख रही हूँ। इनमें से जो बिल्कुल सही होगा वो मैं अपने बैग के अंदर रख लूँगी। खैर, मैं क्लिप्स दिखा रही थी तो वापस से क्लिप्स की तरफ आ जाते हैं हम लोग। ये कुछ क्लिप्स हैं और बहुत प्यारे प्यारे से क्लिप्स हैं, ये भी मेरे बैग के अंदर लाजमी होते हैं। साथ में मेरे पास ये एक ब्लश ऑन किट है, जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ बट फिर भी मैं अपने बैग के अंदर एहतियातन रखती हूँ। और ये लिप ग्लो है, जो कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ अपने लिप पे। ये बहुत अच्छा लिप ग्लो है, ये मुझे एक इंस्टा पे एक पेज ने भिजवाया था और ये काफ़ी सारे उन्होंने मुझे लिप ग्लो भिजवाया। साथ में मेरे पास ये है मतलब टॉप कोट नेल पेंट का, ये भी पता नहीं क्यों रखा हुआ है। ये हैंड फ्री बॉक्स है, इसके अंदर हैंड फ्री है, ये किसी समवन स्पेशल ने मुझे दिया था तो ये अभी तक एज इट इज़ मेरे बैग में रखा हुआ था। साथ में ये मोस्ट फेवरेट मेरा कैचर है, जो कि मेरे बाल इतने पतले हो गए, मेरे बालों के अंदर आराम से ये आ जाता है। उसके अलावा मेरे बैग के अंदर ये टेंट है, ये एक और लेंस है जो कि मैं यहाँ रख रही हूँ, और मोस्ट फेवरेट लाइनर, ये वाला लाइनर मार्कर लाइनर होता है, इससे आराम से आपकी आई पे लग जाता है। उसके अलावा ये काजल है, जो कि मम्मा का है, मम्मा यूज़ करती हैं तो ये मैंने अपने बैग में रख लिया था, बट ये भी मैं बाहर रख ली निकाल के। और साथ में आजकल जो है मैं बहुत ज़्यादा फेक नेल्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं फेक नेल्स यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने एलसीडी बैग के अंदर रखी है कि कहीं पे भी नेल्स निकल जाते हैं तो ये मैं फट फट लगा लेती हूँ। उसके अलावा मेरे बैग में ये लॉकेट पड़ा हुआ है, मतलब चेन टाइप लॉकेट है, ये मैंने पहना था तो ये मेरे बैग में एज इट इज़ मैंने रख लिया था। साथ में काफ़ी सारी पेन्स हैं और ये पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है मेरे बैग के अंदर, ये बंटी छालिया तो बहुत सारी चीज़ है मेरे पास। और साथ में सबसे प्यारी चीज़ वो है धर्म, यार पता नहीं क्यों मुझे इससे ना, इससे मेरा अलग ही कनेक्शन है इन मतलब सिक्कों से, धर्म वाले सिक्कों से, तो मैंने अपने इस वॉलेट में रख लिया। तो ये सब मेरे बैग में था, मैंने सोचा कि आज मेरा व्लॉग बनाने का मूड तो नहीं था, लेकिन मैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कर दूँ जो आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट आए और मज़ा आए, तो मैंने सोचा कि मैं बैग वाला मतलब व्हाट्स इन माई बैग चैलेंज कर देती हूँ, तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वैसे तो मैंने बनाया ही है बट मैंने सोचा लास्ट में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कर दूँ कि मज़ा आए। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इस व्लॉग को लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि आपकी बहन आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस की नीड है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मोटिवेशन की नीड है, मैं बहुत परेशान हूँ।
काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपकी ज़िंदगी में चल रही होती हैं, बट सोशल मीडिया पे आप लोग वो सारी चीज़ें नहीं दिखा रहे होते हो, और लोगों को लगता है कि इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है और ये कितना ज़्यादा मतलब खुश हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग नहीं मतलब आप नहीं बता रहे होते हो। अच्छा, मुझे एक और बात करनी थी कि कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझे बताया करें कि मैं व्लॉग में क्या बनाऊं। मतलब अब जैसे आप लोग मुझे बता देगा कि अगर आप लोग को कुछ देखना है या कोई चीज़ पूछनी है कि इस टॉपिक पे व्लॉग बना लें या ऐसा कुछ बता दे, तो ऐसा कुछ बताएगा आप लोग मुझे, तो मैं उसी टाइप का व्लॉग बनाऊंगी। बाय गाइस, आई होप कि पसंद आएगा व्लॉग। लव यू ऑल। बाय बाय।